वही चीज पहले 5 महीने में भी पढ़ना था, वही चीज 4 महीने में पढ़ना था, वही 3 महीने में पढ़ना है, अब इतनी सारी चीज 1.5 महीने में रिवाइज करनी है। आपको लगेगा आप भूल रहे हैं, बट यकीन मानिए आप भूल नहीं रहे हैं। आपके जब हम 4 ऑप्शन देंगे तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो आप बिल्कुल पैनिक मत लीजिएगा। अगर लास्ट टाइम में आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, आपको ऐसे लगने लगा मैं भूलता जा रहा हूँ, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जैसे जैसे समय कम आएगा आपके अंदर घबराहट ज्यादा होगी, एंजाइटी बढ़ेगी। सर पढ़ना क्या है, नोट्स पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, दोनों पढ़ें या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें? बच्चों लास्ट का 1 महीना है, अब आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे, आपने नोट्स पूरे साल पढ़े हैं, आपको चीजें आती हैं। बट सर हमें ऐसा लग रहा है कि हम भूलते जा रहे हैं। मैं कोई चीज पढ़ता हूँ तो पढ़ते पढ़ते, मान लीजिए मैं एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एकदम से आता है कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का वो पॉइंट छूट गया। जब मैं वहां पे उसको रिवाइज करने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि फोटोसिंथेसिस का वो वाली चीज मैं भूल रहा हूँ। उसको रिवाइज करने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बायोडायवर्सिटी का वो डेटा भूल रहा हूँ। उसको रिवाइज करने जाता हूँ तो लगता है केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन का रिएजेंट भूल रहा हूँ। तो इस तरीके से जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपको ऐसा फील आएगा कि आप चीजें भूलते जा रहे हैं। देखिए भूलते सब हैं, आप भूल नहीं रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है, तो कम समय में माल ज्यादा होता जा रहा है। तो वही चीज पहले 5 महीने में भी पढ़ना था, वही चीज 4 महीने में पढ़ना था, वही 3 महीने में पढ़ना है, अब इतनी सारी चीज 1.5 महीने में रिवाइज करनी है। तो बच्चों 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप भूल नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप उसकी थ्योरी भूल रहे हैं, बट आपको जब वो क्वेश्चंस आते हैं तो ऑप्शन देखकर आपका आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन देखकर आपको चीजें रिकॉल हो जाती हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन हैं जो आपको ऐसे रिकॉल नहीं होंगे, आपको लगेगा आप भूल रहे हैं, बट यकीन मानिए आप भूल नहीं रहे हैं। आपके जब हम 4 ऑप्शन देंगे तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और 1-2 चीजें सब भूलते हैं, टीचर भी भूलते हैं, लेकिन नीट में सिर्फ वही नहीं आएगा जो आप भूलोगे, थोड़ा बहुत सब भूलते हैं। ठीक है, आप जितनी भी तैयारी करो 1 या 1.5% चीजें उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल नहीं होती, वो सभी के साथ होता है। तो आप बिल्कुल पैनिक मत लीजिएगा। अगर लास्ट टाइम में आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, आपको ऐसे लगने लगा मैं भूलता जा रहा हूं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जैसे जैसे समय कम आएगा आपके अंदर घबराहट ज्यादा होगी, एंजाइटी बढ़ेगी, और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ाई करते रहिए और सिर्फ अब एनसीईआरटी करिए। मान लीजिए आपको प्लांट किंगडम पढ़ना है, आपने प्लांट किंगडम कई बार पढ़ा है, आपके टेस्ट होते थे तब पढ़ा, आपका एआई टेस्ट होता था तब पढ़ा, तब आप नोट्स भी पढ़ते थे, एनसीईआरटी भी पढ़ते थे, लेकिन अब जब आप प्लांट किंगडम पढ़ें तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, आपको सारी चीजें याद रहेंगी, 95% कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में पीछे नोट्स चल रहे होंगे और आप उन नोट्स से उन कॉन्सेप्ट को मैच करा रहे होंगे। 1 या 2 लाइन ऐसी होंगी एनसीईआरटी की जो आपको समझ नहीं आएंगी, उसके लिए आप नोट्स खोलकर सिर्फ उन्हीं 2-3 लाइन का कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। ठीक है, अब आपको कम समय में ज्यादा मसाला तैयार करना है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पे रहिए, पीवाईक्यू करिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी मत करिए। अगर किसी चैप्टर पे 200 क्वेश्चन लेके बैठ गए, आने वहां से 2 या 3 क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के सॉल्व करने से भी बन जाएंगे, तो आप अपना 1 या 1.5 घंटा बचा सकते हैं। लास्ट टाइम है, स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। ठीक है।